आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। सुशासन बाबू की शराबबंदी की पोल खोलती ये रिपोर्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बिहार में शराबबंदी महज दिखावा है। पीने वाले को तो आसानी से शराब मिल जा रही है, चाहे आम लोग हो या पुलिस के जमादार, शराब का सेवन हर आम और खास करते दिख रहे हैं। आज छपरा के मढ़ौरा में शराब पीकर मदमस्त एक पियक्कड़ को देख वीडियो इस कदर भड़के कि लोगों को फिल्म सिंघम का सीन दिखने लगा। भड़के वीडियो साहिब लाचार और बेबस थे, इस शराबी को देखकर फिर भी उन्होंने साहस किया और शराबी की गर्दन हाथ में पकड़कर गाड़ी में बैठाने का किया प्रयास। भीड़ की वकालत ने अंततः उस सिरफिरे शराबी पर अपनी पकड़ ढीली की और शराबी 9:11 हो गया। ऐसे हालातों को देखकर बस इतना ही ख्याल आता है कि सुशासन बाबू की शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह फ्लॉप रहा, क्योंकि जब उनके ही जमादार ऑन ड्यूटी गश्ती करते हुए शराब के नशे में एक होमगार्ड के जवान को गोली मारकर घायल कर दिया, इसीलिए लोग बिहार के शराबबंदी को महज एक मजाक समझ रहे हैं। बात करते हैं आज के ताजा हालात की, जब मढ़ौरा के रसूलपुर के खोरमपुर में बीडीओ मनोज अग्रवाल आज एसडीएम और डीडीसी के साथ जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित नव प्रवर्तन योजना के निरीक्षण में पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर महिलाओं ने बीडीओ के कार्यालय का घेराव कर दिया। इसी बीच एक पियक्कड़ बीडीओ से कुछ सवाल करने लगा तो बीडीओ को यह बात नागवार गुजरी और बीडीओ तुरंत उस पर टूट पड़े। गर्दन में हाथ लगाकर लगे धसोड़ने, लोगों ने बीच बचाव कर पियक्कड़ को छुड़ाया, तब जाकर पियक्कड़ की जान बची। बीडीओ का रौद्र रूप देख महिलाएं भी हट गईं, फिर साहब भी अपने गाड़ी में बैठकर चलते बने। बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब कैसे मिल रही है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। धक्का मुक्की वाली बात आ रही है ना, बस इतनी सी बात, थोड़ा सा मेंटल टाइप का। हम लोग कहीं जाते हैं तो एक दो लोग ऐसा मिल ही जाते हैं, कोई बकचोदी की बात क्या कीजिएगा। शराबबंदी हो गई है तब भी थोड़ा बहुत लोग पी लेता, क्या कीजिएगा, कोई बकचोदी की।